Assalamu alaikum everyone, hopefully you were doing well. So today we will start chapter 6, functions. So let's start it. So the first one is a functions. A function is a set of related tasks that are designed to perform a specific task. And a function is a complete independent program executed by the main function. We are using function to divide our program into parts. तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फंक्शन है क्या. फंक्शन जो है ना वो मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसको मेन फंक्शन के अंदर जो है ना कॉल करते हैं. इसको हम मेन फंक्शन के अंदर और मेन फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकते हैं और ये इंडिपेंडेंट जो है ना प्रोग्राम होता है, मतलब हर एक फंक्शन अलग अलग काम करता है. तो इसके बाद आ जाता है बिल्ड इन फंक्शन. तो बिल्ड इन फंक्शन आपको पता है जिस तरह हमारे डेटा टाइप्स थी तो वो प्री डिफाइन थी, इस तरह हमारी कुछ फंक्शन जो कि प्री डिफाइन है, जिस तरह हमारा स्लीप फंक्शन है, बीप फंक्शन है, इसके अलावा जो हमारा मेन फंक्शन जिस तरह हम लिखते थे एंट मैन और फिर उसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप, इसके अंदर हम जो भी लिखते थे वो एक बिल्ड इन फंक्शन है. तो फंक्शन जो पहले से बनाया गया है C++ के अंदर तो उसको हम बिल्ड इन फंक्शन कहेंगे और जनरली हम यूज़ करते हैं इसको. इसके बाद आ जाता है यूज़र डिफाइन फंक्शन. तो यूज़र डिफाइन फंक्शन जिस तरह की नाम से जाहिर है कि जब हम खुद से कोई फंक्शन क्रिएट करें एक स्पेसिफिक टास्क के लिए तो उसको हम यूज़र डिफाइन फंक्शन बोलते हैं. इनके तीन पार्ट होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये किसके लिए है और फिर इसको मेन फंक्शन में कॉल करते हैं. और फंक्शन डिक्लेरेशन जो है ना वो और उसका बॉडी जो भी है वो हम मेन फंक्शन के बाहर जो है ना वो लिख सकते हैं, लेकिन उसको फिर मेन में कॉल करना पड़ेगा. जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर था तो स्ट्रक्चर हम मेन फंक्शन के बाहर लिखते थे लेकिन उसका वेरिएबल बना देते थे मेन फंक्शन के अंदर, तो फिर हमें उसको कॉल करना पड़ता था. तो यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे. उसके बाद आ जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन. तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? द फंक्शन डिक्लेरेशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप हम उसको बोल सकते हैं. तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक मॉडल जो है ना वो प्रोवाइड करता है फंक्शन डिक्लेरेशन. और जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद हमें कॉल लगाना ज़रूरी है. और जिस तरह आप देख सकते हैं कि वाइट डिस्प्ले और नीचे इंट सम इंट इंट, तो जो ब्रैकेट है उसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं और उसके अंदर जो है उसको हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स भी बोल सकते हो. और यहाँ पर वाइड जो है ना, अगर वाइड डिस्प्ले लिखा हुआ है तो मतलब वो डिस्प्ले जो है ना वो कोई कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जबकि एंड सम जो है ना ये एक इंटीजर टाइप का जो है ना रिटर्न करेगा ये फंक्शन. और उसके अंदर दो पैरामीटर है जो कि दो इंटीजर लेगा, क्योंकि सम करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए. तो इसके अंदर आएंगे और फिर उसके अंदर जो है ना बॉडी ऑफ द फंक्शन जो है ना वो कॉल हो जाएगा इसके बाद, और जो हम चाहते थे तो वो एग्जीक्यूट होगा. तो इसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द फंक्शन डिक्लेरेशन. इज जो डिक्लेरेशन जो है ना वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो नेम ऑफ द फंक्शन प्रोवाइड कर लेता है, फिर उसके बाद डेटा टाइप की कौन सी डेटा टाइप का जो है ना हमारा फंक्शन हमें रिटर्न करेगा. इस तरह आप एग्जाम्पल में देख सकते हो लेफ्ट साइड पे एंट सम, तो ये इंटीजर टाइप का जो है ना डाटा हमें रिटर्न करेगा. और उसके बाद क्या है, द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट ऑफ पैरामीटर. तो पैरामीटर क्या है, जो पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर है या आर्गुमेंट है तो वो हमें कितने नंबर्स ऑफ पैरामीटर उसके अंदर है, तो ये हमारा डिक्लेरेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है. उसके बाद आ जाता है फंक्शन डिफिनीशन. तो फंक्शन डिफिनीशन क्या है? द एक्चुअल कोड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन डिफिनीशन. और फंक्शन डिफिनीशन इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन और कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डिक्लेरेटर एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन. डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया कि डिक्लेरेशन क्या है और बॉडी ऑफ द फंक्शन उसके अंदर हम जो मेन फंक्शन के अंदर जो हम लिखते थे उस तरह हम जो है ना दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन के अपना जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे. तो ये हम मेन फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको मेन फंक्शन में कॉल करना लाजमी होगा, तभी जो है ना हमारा प्रोग्राम सही से काम करेगा. अच्छा, तो उसके बाद आ जाता है कॉलिंग फंक्शन. तो एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ फंक्शन. जब हम कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम कॉलिंग ऑफ फंक्शन बोलते हैं. और ये रेफरेंस के जरिए जो है ना मेन फंक्शन में उसका रेफरेंस दे देते हैं और उसको मेन फंक्शन के अंदर भी लिख कर सकते हैं, मेन फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं.
और फिर हमको उसको मेन पंक्शन में कॉल करना होता है, तो उसको हम कॉलिंग आवर फंक्शन बोलते हैं। और ये किस तरह करेंगे वो भी हम जो है ना एग्जांपल के थ्रू सारा सब कुछ समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल भी। और फंक्शन वाइड डिस्प्ले एंड इसके अंदर हमने लिखा हुआ है सी आउट ओके। और फिर मैंने क्या किया, ये फंक्शन है जो कि मेन मेन से जो है ना, मैं हमारा जो मेन फंक्शन था उसके बाहर जो है ना हमने लिखा हुआ है ये, तो उसको जो है ना जिस तरह हम स्ट्रक्चर में मेन के अंदर फिर पैरामीटर बना देते दे, वेरिएबल बना देते दे, और ये जो है ना उसके लिए ना वेरिएबल बनाया गया और फिर ये जो है ना उसको कॉल किया गया। तो क्या हुआ यहाँ पर जो है ना, इसको कॉल हुआ ये वाला जो डिस्प्ले फंक्शन है और उसका जो है ना हमने वेरिएबल सा बना दिया ये वाला। तो अब इसको हम कंपाइल रन करते, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने एक ओके जो है ना वो प्रिंट करा ली है। तो बहुत ही सिंपल है, इसके बाद हम मुख्तलिफ फंक्शन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी विल सी पासिंग आर्गुमेंट टू आवर फंक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय दैट, अगर कोई फंक्शन को जो है ना कोई डेटा चाहिए एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए हम आर्गुमेंट जो है ना पास करते हैं और इसको हम आर्गुमेंट फंक्शन बोलते हैं। डेटा पास किस तरह होता है, डेटा पास होता है आर्गुमेंट के ज़रिए, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो एंट एक्स एंट वाई, और ये जो है ना प्लेस्ड होता है पेरांथिसिस के अंदर, जो ब्रैकेट है उसके अंदर उसको हम पेरांथिसिस बोलते हैं, जबकि उसके अंदर जो आर्गुमेंट है उसको हम पैरामीटर या आर्गुमेंट दोनों बोल सकते हैं। आर्गुमेंट आर इधर कांस्टेंट आर वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। डेटा टाइप ऑफ एन आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल मस्ट आल्सो मैच द करिस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, इम्पॉर्टेंट जो है ना पॉइंट है, आपको इसमें याद रखना चाहिए कि डेटा टाइप जो है ना आर्गुमेंट फंक्शन के जो है वो सेम होना चाहिए जब हम उसको डिक्लेयर करें मेन फंक्शन के अंदर। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम मैंने पूरा जो एग्जांपल है वो ले ली है, यहाँ पर आप ऊपर देखते हो पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शंस, तो यहाँ पर हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम वो सारा सब कुछ लिख लिया। फिर उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, उसके अंदर जो भी लिखा है आप फिलहाल इसको छोड़ ले, ये मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, मतलब मेन फंक्शन में कुछ नहीं है। मैंने एक फंक्शन बनाया वाइड, वाइड का आपको पता है कि कुछ रिटर्न नहीं करता, यहाँ पर मैं इंट भी कर सकता हूँ पर और उस भी ये भी कर सकता हूँ। तो सम हमारा जो है ना फंक्शन का नाम है, उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास की एक्स एंड वाई, और फिर मैंने कहा कि द सम इज एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि x प्लस वाई जो है ना उसका सम है, तो x क्या है और y क्या है हमें पता नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना पैरामीटर में x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू आएगी, और इन दोनों को जो है ना प्लस होगा और यो में से जो है ना वो शो होगा, सही है यहाँ तक। तो अब यहाँ तक जो है ना वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हम मेन फंक्शन के अंदर जो है ना कॉल करेंगे। तो कॉल किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप देख ले कि हम जिस तरह स्ट्रक्चर में जो है ना एक वेरिएबल बना देते, तो उस तरह हम जो है ना यहाँ पर भी वो कर लिया, जो ये लिखा हुआ है वो सेम मैंने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन एक्स एंड वाई जो है ना वो नहीं लिख लिया, ताकि हमारी मेन फंक्शन को जो है ना पता चल जाएगा कि ये जो है ना एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। और फिर उसको जो है ना वैल्यू हम किस तरह पास करेंगे, ये सम लिखेंगे जो हमारे फंक्शन का नाम है, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पर टू जो है ना एक्स के अंदर आ जाएगा और फोर जो है ना वो वाई के अंदर आ जाएगा। तो और एक काम आप एक और भी कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल एंडर ने जो है ना यूज़र ने जो है ना डेटा एंटर करना है, तो क्या करेंगे हम एक दो वेरिएबल ले लेंगे एंट ए और फिर बी, और फिर हम कहेंगे सी आउट एंटर दी वैल्यू फॉर ए, और इसी तरह जो है ना हम बी के लिए भी कर लेते हैं कंट्रोल कॉपी कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं बी कर लेता हूँ, और क्या होगा फिर मैं सी एन करता हूँ सी एन ए, और फिर उसके लिए जो है ना मैं कर लेता हूँ सी एन बी, तो क्या हो जाएगा
इससे जो है ना यूजर से हमने डेटा तो ले लिया यहाँ पर। अब जो है ना यहाँ पर मैं ए और यहाँ पर जो है ना बी वो कर लिया, तो डेटा जो है ना यूज़र एंटर करेगा इसमें से, फिर वो जो है ना यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से वो पास होगा। मैं ये कहेगा कि मेन फंक्शन जो है ना वो कहेगा कि सम का एक फंक्शन बना हुआ है, तो वो जो है ना वो सारे को चेक कर लेगा और यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यानी ये, तो ये एग्जीक्यूट होगी। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, सेव कर लिया मैंने, सॉरी यहाँ पर मैंने सीन के लिए वो साइन नहीं डाले थे। अब दोबारा कंपाइल एंड रन करते, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मेरे से जो है वैल्यू मांग ली है, तो मैं डाल लेता हूँ 10 और 20 और आप देख सकते हो कि इसने सम S30 जो है ना इसने पूरा दिखा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।